क्या ब्रेकअप के बाद भी सुष्मिता और रोमन शॉल एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हैं? क्या अब भी सुष्मिता और रोमन शॉल के बीच कुछ चीज़ों को लेकर बातचीत बाकी रह गई है? कुछ चीज़ें अभी भी डिस्कशन मोड पर है? वेल, ऐसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि ब्रेकअप के बाद एक बार फिर से सुष्मिता और रोमन शॉल एक साथ नजर आए हैं। इस बार ये दोनों एक साथ एक ही कार में थे, और सबसे बड़ी बात, रोमन शॉल ने मीडिया को देख कर अजीब सी हरकत की। जो रोमन शॉल अब तक सुष्मिता के साथ जब भी मीडिया के सामने आता था तो अच्छे से पोज करता था और मीडिया को रिस्पेक्टफुली ग्रीट भी करता था, वो रोमन शॉल मीडिया को देखते ही नीचे झुक गया, मुंह छुपाने लगा, ऐसे जैसे सुष्मिता के साथ कार में बैठकर बातें करना वो कोई क्राइम वाली बात है। सुष्मिता ने जहाँ कार में बैठकर मीडिया को ग्रीट किया, अच्छे से स्माइल दी, पोज भी दिया बैठे बैठे ही, वहीं रोमन शॉल की ये हरकत अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बात क्या है। क्या ब्रेकअप के बाद सुष्मिता ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं रोमन शॉल को कि मेरी वजह से तुम कभी भी मीडिया में हाईलाइट नहीं होंगे, मेरी वजह से चमकने की कोशिश मत करना। यही कारण है कि रोमन शॉल सुष्मिता के साथ जब है तो उस टाइम वो मीडिया के सामने नहीं दिख रहा है, वो अपनी अलग से पहचान बनाएगा तभी वो मीडिया के सामने आएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ब्रेकअप के बाद। ये दूसरी बार है जब रोमन शॉल सुष्मिता के साथ नजर आया, इससे पहले भी दोनों ने एक साथ एक पार्टी अटेंड की थी और एक साथ एक गाड़ी में नजर आए थे, और अब एक बार फिर से दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते नजर आए। वैसे कहा यह जाता है कि रोमन शॉल बार बार सुष्मिता से मिलते इसलिए हैं क्योंकि वो सुष्मिता के साथ साथ उनकी बेटियों से भी बेहद क्लोज हैं और उनकी बेटियाँ रोमन शॉल को फादर फिगर के रूप में देखती है। यही कारण है कि बेटियों से मिलने के लिए और उनसे जो बॉन्डिंग है उसको बनाए रखने के लिए रोमन शॉल अक्सर सुष्मिता को विजिट किया करते हैं। एक महीने पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ, सुष्मिता ने ही इस ब्रेकअप की घोषणा की और सुष्मिता ने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं रहा, वो रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन दोस्ती बरकरार है।